सर क्या घटना घटी, क्या मतलब हुआ? सर हमारे साथ रेप किया गया 3-4 लड़कों ने मिलकर। क्या नाम है लोग थे? एक का नाम था बंटी, एक का नाम था फुल्लन और एक का नाम था अनुरुद्ध प्रताप सिंह राठौर। वो मेरे घर में रात में कूदा भी था अनुरुद्ध प्रताप, तो हमने 100 नंबर को बुला के उसको अरेस्ट करवाया था। और एक है का क्या कहते हैं बड़े लला। कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले हैं और हम इसी दौरान प्रेग्नेंट भी हो गए, तो बंटी की मिसेज ने हमको दवाई मेडिकल द्वारा ही घर पे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद शिकायत की किसी से? शिकायत हम थाने में आए, थाने में शिकायत की तो कोई यादव जी करके थे, तो सर उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। और उन्होंने उस लड़के को जिसको पकड़ा था उसको क्या कहते हैं हल्का केस करके उसको मतलब वो करवा दिया। और लोगों को सर नहीं, उनकी सर मैंने वो मुकदमा लिखवाया है सर, अभी लिखाने गया है। तो यहाँ पे कहाँ पे आई हो शिकायत करने? एसपी ऑफिस शिकायत करने आई है। हाँ सर। कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं सर, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका कोई पर्चन? पर्चन सर मेरे दो बहने हैं छोटी छोटी, मम्मी पापा मेरे एक्सपायर हो गए हैं। क्या नाम है? मेरा काजल। परिवार वाले कोई साथ दे रहे हैं? परिवार वाले कोई मेरा साथ नहीं दे रहा सर, मेरा कोई नहीं है। तुम अकेली रहती घर में? हाँ, घर में दादी ताई भाई रहती है, पर कोई सपोर्ट नहीं करता। ताऊ जी हमारे क्या कहते हैं टावर पे जॉब करते हैं, ताई और दादी घर में रह गई हैं, खाली हमें अकेले और मेरी दो बहनें। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के एक युवती के द्वारा आज कार्यालय में पेश होकर के प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को नामित करते हुए और एक अज्ञात को बताया है कि उनके द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया है। उसके पहले भी उनके द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत की है और ये घटना 6 तारीख की बताई है और कहा है कि दीपावली छुट्टी काल में नहीं आ सकी थी। तो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है, थाने को भेज करके उसका मेडिकल करा करके उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।